कोयलांचल में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। तीन तीन एसपीज होने के बावजूद जिले में लगातार खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, नेताओं पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोयलांचल को क्या हो गया है? बीजेपी नेताओं पर निशाना क्यों? बेलगाम अपराधी सुस्त खाकी। दो तस्वीर जो रंजिश और रंगदारी के कॉकटेल में बुनी गई बेरहमी की कहानी बयां कर रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सतिंदर सिंह की हत्या। कुम्हार पट्टी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सतिंदर सिंह पर अरुण मंडल और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें सतिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यहाँ पे काफी सीरियस था, यहाँ से बाहर ले जाते रास्ते में देहांत हो गया। तो इस प्रकार से घटनाएं ऐसी हुई हैं जो झकझोरने के लिए काफी है। वहाँ जहाँ मोहल्ला में आ रहा नाम, कल अरुण मंडल जी का नाम आ रहा था और उनके साथी लोग का नाम है कि 15-16 लोग मिल करके मारे हैं उसको बहुत बेरहमी से, और देखे कि जब कि इनका जान चला गया तब उसको छोड़ के गए वहाँ से। सिंदरी बाजार में दो बीजेपी नेताओं पर हमला। रंगदारी वसूलने के लिए घर में घुसकर बोला हमला। दूसरी वारदात सिंदरी बाजार की है, जहां नगर अध्यक्ष विजय सिंह और जिला कार्य समिति सदस्य शैलेश सिंह पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि रंगदारी को लेकर अपराधियों ने घर में घुसकर दोनों पर हमला किया। हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। पहले से ऐसे कुछ भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। जब रात को जब हम अपने घर पर पहुंचे शैलेश भैया के साथ, तो कुछ घात लगाकर बैठे लोग हमारे ऊपर एक बैग हमला कर दिया। जाहिर है खाकी की सुस्ती पर सवाल है। अब खाकी के सामने चुनौती है हमले में शामिल चेहरों को हवालात भेजने की। नीतीश मिश्रा, जी मीडिया।